ऐसा ऐसा है, ये जो पिक्चर की आज शूटिंग होने जा रही है एक्शन क्वीन मधुबाला की, इसमें इसमें जो सपना चौधरी को जो रोल दिया गया है वो एक उसका आइटम सॉन्ग का, जिसमें क्योंकि ये एक बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया कलाकार है हमारे इलाके में, यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में इसकी बड़ी डिमांड है, तो हमें ये लगा कि इस फिल्म के माध्यम से और ज़रा उसकी ज़्यादा अच्छी पब्लिसिटी होगी, हमें भी कुछ फ़ायदा होगा, जनता में उसका जो संदेश जाएगा वो बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही पॉपुलर है ये लड़की, देसी उसमें बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसने लिया गया और आगे इसका भविष्य, आगे और पिक्चरें मिलेंगी तो अच्छा काम करेंगे। तो ये फिल्म की बात करें तो कब कितना फिल्म में, पूरे थ्रू आउट फिल्म में है सपना चौधरी या नहीं? आइटम सॉन्ग में है और जो ये हमारे डायरेक्टर हैं सनी जी का रोल है, अब ये कुछ और बताएंगे तो कर देगी, वो कोई दिक्कत नहीं उसे। अच्छा, तो कितनी खुशी हो रही है सपना को लेकर? हमें तो बहुत खुशी है जी, इससे हमारी फिल्म जो है हमारे पश्चिम में इधर बहुत ही अच्छी वो करेगी और जनता में संदेश भी इसका अच्छा जाएगा। कितनी आशाएं हैं महिला से इसे है जी? इस फिल्म से कितनी आशाएं अपेक्षाएं सपना? बहुत 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 आशाएं हैं, बहुत अच्छी पिक्चर, हाँ बहुत अच्छी पिक्चर हमारी चलेगी, आएंगे लोग देखेंगे इससे, ये महिला प्रधान फिल्म है तो इससे महिलाओं पर भी काफ़ी अच्छा वो अच्छा संदेश जाएगा। आप सपना की अगर कोई खास बात करें आपसे तो आपको क्या प्रभावित किया उसने जो आप? भाई हम तो देखो देसी आदमी हैं, प्रोड्यूसर तो हैं, लेकिन जिस तरह का वो करती है लड़की, हमारे यहाँ जो फंक्शन होते हैं उसमें तो क्योंकि पहले बहुत सांग वगैरह हुए करते थे, तो जो फंक्शन जैसे हमारे यहाँ तेरामी हो गई और कोई कार्यक्रम हो गया, तो वो सब अब चेंज हो गया, फिल्म इंडस्ट्री में भी अब चेंज हो गया, पहले में अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो अब हमारे यहाँ उसका मनोरंजन का साधन जो है अब ये इसी तरह का होता है कि जैसे सपना की कंपनी है, सपना का प्रोग्राम है और बहुत ऐसे गायक हैं हमारे यहाँ, तो उससे जनता में का मनोरंजन होता है और लाइक करते हैं लोग। पहले मांगे लखी बहुत हमारे यहाँ चंदर बहुत सांगी हुआ करते थे, तो शाम को 4 बजे शाम हुआ जी, सारा गांव इकट्ठा हो गया, सारा बढ़िया लगता था, तो वे सब चेंज हो गया, अब सारा चेंज हो गए तो अब इस तरह का पैटर्न आ गया, जिससे जो सपना कहीं ना कहीं एज ए प्रोड्यूसर आप संतुष्ट है कि सारा चैलेंज बहुत बहुत खत्म हो गया है, हाँ, सारा सपना ही सब अपने कंधे पर, हाँ, कंधे पे लेकर जाएगी, बिल्कुल पूरा चैलेंज आपका खत्म हो गया, हाँ। सपना की अपनी ऑडियंस है, हाँ। सपना की अपनी ऑडियंस के बारे में और इस फिल्म के बारे में अगर जानना चाहें सनी जी क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म में, सपना का किरदार क्या है इसमें जी? सपना की अपनी ऑडियंस है सपना चौधरी की, जो उनके लोग दीवाने हैं, आप लोगों ने वीडियो पे देखा होगा, लाखों लाखों आदमी इकट्ठा हो जाता है, आपने जब इसका कार्यक्रम होता ना इतनी फोर्स लगा दी जाती है चारों तरफ कि जनता मतलब समझे इसकी एक झलक देखने के लिए पागल हो जाती है, और इनकी बिना पब्लिसिटी के लिए इतनी ऑडियंस है जो हम लोग यहाँ शो करते हैं तो हम लोग को बड़े बड़े एक्टर भी लेने पड़ते हैं तो पब्लिसिटी करनी पड़ती है कि हमारा इतनी तारीख को शो है, लेकिन सपना का अगर पता चल जाए कि इतनी तारीख को शो है तो अपने आप ही लोग आ जाते हैं और रात भर बैठे रहते हैं। आप वीडियो देखिए उनके, आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिलेगा, लाखों की तादाद में उनके लोग डांस देखने आते हैं और हमारी फिल्म में वो आइटम सॉन्ग कर रही हैं और ये सपना का पहला गाना होगा, आज तक उन्होंने दूसरी की फिल्मों के दूसरे जो फोक गाने उन पे डांस किया है, ये उनका अपना एक गाना होगा और जो हमारा गाना है वो भी देसी टाइप का है जो सपना जी की इमेज से बहुत मैच करता है, और जब ये गाना लोग देखेंगे तो अभी तक तो सपना जी दूसरों के गाने पे करती थी, अब दूसरे इस गाने पे शो करेंगे। और मैं एक बात मैं भी बोलना चाहता हूँ, हाँ। और ये अधिराज बैनर्स में बनने वाली पहली फिल्म है और आजकल आप समझ सकते हैं कि कॉरपोरेट का ज़माना है, छोटे प्रोड्यूसर नए प्रोड्यूसर्स के लिए जगह ही नहीं है, सिनेमा ही नहीं मिलता, ऑडियंस ही नहीं मिलती है, तो सपना के आने से हम लोगों को इतना फ़ायदा हो जाएगा कि सनी कपूर भाई ने बहुत मेहनत की है स्टोरी पे, इस फिल्म की डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो कम से कम हमको हमारी ऑडियंस थिएटर में लाने तक का मौका मिल जाएगा, उसके आगे इनका टैलेंट है संभालने का बड़ा ज़बरदस्त है, और सपना जी आई हैं हमको बड़ा खुशी है और बड़ी अच्छी बात है, और ये फिल्म हमारी बहुत तरक्की करे, आप सबसे गुजारिश है ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है ये। सनी जी कितना चैलेंज है आपको क्योंकि सपना का जो ग्राफ है बहुत ऊपर है? हाँ एक्चुअली उतना आपको आप एज ए डायरेक्टर कंधे पे आपके बहुत बड़ी जवाबदारी, बिल्कुल बहुत बड़ी जवाबदारी है और जो हम लोगों ने अच्छी तरह निभाई है, सपना जी का पूरा सपोर्ट भी है और उन्होंने मतलब इतनी बड़ी स्टार जैसे लोग हम लोगों ने पहले उनके बारे में सुना था कि वो
मतलब बहुत एटीट्यूड वाली हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी देसी सी गर्ल है वो, और बहुत सपोर्ट कर रही हैं हम लोग। हम अभी गाना कर रहे हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग जिसको हमेशा शो में ऑडियंस की नज़र से देखते थे वो आज हमारे बीच में। बहुत उनके साथ काम करके अच्छा लगा और उम्मीद है कि ये गाना तो हिट होगा ही होगा सपना जी की वजह से, और गाना भी बहुत अच्छा है। इस गाने में हम लोगों ने एक आजकल का जो माहौल है, जैसे टैटू का फैशन चल रहा है, हर दूसरे आदमी के शरीर पे टैटू होता है, तो हम लोगों ने टैटू को ही हाईलाइट किया इसमें, और टैटू 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 इस तरह का आइटम सॉन्ग है जो अपने आप में टैटू भी हिट है, सपना चौधरी भी हिट है, और भगवान ने चाहा तो फिल्म भी हिट होगी। आगे चल के भी इस तरीके का कुछ प्लान है आपका? ज़रूर ज़रूर, जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा हम लोग इसी तरह कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। आज हम इस फिल्म में सपना चौधरी जी को लेके आए, तो अगली पिक्चर में भी लाएंगे, और भी कुछ चीज़ें ऐसी जोड़ेंगे जो अभी तक हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने नहीं देखी। हमेशा यही कोशिश रहती है। आप कुछ जी 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 सर क्या कहना चाहिए, इतने बड़े डायरेक्टर जो अच्छी फिल्में बनाते हैं, तो इनके लिए क्या कहना चाहिए सर? अरे बहुत मेहनती और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनकी फिल्म बहुत अच्छी चले, बहुत अच्छी अच्छा बिजनेस दे, इनका नाम हिट हो। ऑलरेडी हिट है। हाँ हाँ, और ज़्यादा हिट हो, तो इन्हें इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके लिए। थैंक यू सर। भाई हम तो अभी नए हैं लेकिन ये पुराने डायरेक्टर हैं, तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इनके सपना चौधरी सपना चौधरी जी के अलावा है गुंजन पंत जो लीडिंग रोल कर रही हैं, एक्शन रोल है उनका, प्योर एक्शन, इसमें रोमांस कम करती हैं, एक्शन ज़्यादा करती हैं। बाकी एंटरटेनमेंट फिल्म में तो बाकी सारी चीज़ें भी हैं, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्शन ही है, एक्शन रोमांस, गाने बहुत अच्छे बने हैं, थ्रिल बहुत अच्छा, सस्पेंस बहुत अच्छा है। गुलशन जी भी इसमें बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं। आपने हमेशा इन्हें पुलिस वाले की भूमिका में देखा होगा, या मेरी एक और फिल्म में अपरिचित में ये नेगेटिव कर रहे हो, लेकिन इस बार ये ऐसा करेक्टर, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट रोल है, और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रधान जी का जिन्होंने मुझे चुना है इस पिक्चर के लिए, और सनी भाई का, और मैं बस अपनी मेहनत मेरी किरदार की बात करें आपका तो किस प्रकार का किरदार की बात अगर हम ऐसे अभी कर लेंगे तो फिल्म का थ्रिल खत्म हो जाएगा सर। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा रिवील ये है कि बहुत अच्छा कैरेक्टर है, मैं पुलिस नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात ये पुलिस नहीं है, इनका सस्पेंस बहुत सस्पेंस इन्हीं के ऊपर है, और फिल्म में एक नए करेक्टर में आते हैं और धीरे धीरे चलते लोग एक इमेज बना लेंगे कि ये आदमी ऐसा है, लेकिन लास्ट मोमेंट में पता चलेगा ये आदमी ऐसा नहीं वैसा है, जो सस्पेंस में होता है, लेकिन सस्पेंस खोलने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से इनने जो स्क्रीन प्ले बनाया है पिक्चर का, आप पूरी पिक्चर में ये नेल बाइटिंग सिचुएशंस चलती रहेंगे, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये रोल मैं कर रहा हूँ।